कोरोना के लिए डेडिकेट जयपुर के एसएमएस अस्पताल को कोविड फ्री करने की तैयारियां फिलहाल जोरों पर चल रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देशों के बाद अस्पताल को अन्य मरीजों के लिए अब एक बार फिर से जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसे लेकर अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीजों को आरयूएचएस में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए अलग से ओपीडी जारी रहने वाली है। इसी के साथ अस्पताल में क्राउड मैनेजमेंट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर भी जोर दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था में और क्या बदलाव किए जाएंगे, इसको लेकर एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने। प्रदेश में कोरोना का डेडिकेटेड एसएमएस अस्पताल को अब कोविड फ्री करने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। हमारे साथ एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से एसएमएस अस्पताल को अब कोविड फ्री करने की जो तैयारियां हैं वो की जा रही है? शुरू में हमारे यहाँ स्टार्टिंग में जब ये कोविड चालू हुआ था तो करीब 550 पेशेंट आ चुके थे। अब धीरे धीरे हमने जो है उनको पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया है, ठीक हो गए हैं, और अभी भी जो है कुल 138 पेशेंट अभी यहाँ भर्ती हैं। इनको हम 31 मई तक अब जो कि आरयूएचएस में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। उसके बाद से हम अभी जो वार्ड खाली हो गए हैं उनको हमने सैनिटाइज करवा दिया गया है ताकि 1 जून से हम जो नए जो नॉन कोविड मरीज हैं उनका इलाज जारी कर सकें। देखिए, जो कोरोना के यहाँ से मरीज ही नहीं रहेंगे तो कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो पहले पेशेंट्स थे हमने वार्ड्स को कई बार डेली रोज मतलब करते करते उनको सैनिटाइज कर दिया है और वो वार्ड सारे वार्ड जो है कोरोना फ्री हो चुके हैं। और जो कुछ वार्ड्स में जिनमें जो अभी मरीज हैं उनको भी 2-3 दिन में हम सैनिटाइज करके उनको पूरा प्रॉपर सैनिटाइज करने के बाद से चालू कर देंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब जो एसएमएस अस्पताल में कोविड फ्री करने के बाद में क्राउड मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से इनकी जो मॉनिटरिंग की जा रही है, तैयारियाँ किस तरह से की जा रही है उसको लेकर? क्राउड मैनेजमेंट के लिए ही हम जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। सब में पहले हम जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर जोर दे रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आए तो उसको उसके हिसाब से हम उनको पेशेंट को डॉक्टर्स के पास सोशल डिस्टेंसिंग को पालना करते हुए भेज सकें। इसके अलावा हर घंटे से हमने जो है डॉक्टर्स के देखने के हिसाब से हर घंटे रजिस्ट्रेशन धीरे धीरे करके तो डॉक्टर्स और पेशेंट के पास भीड़ ज़्यादा ना हो उसकी तैयारी में हम जुटे हुए हैं। ऐसे में जो कोरोना से लक्षणों वाले जो मरीज आएंगे उनको लेकर किस तरह की तैयारियाँ रहेगी, किस तरह से उनको उपचार किया जाएगा, किस तरह से उनकी जाँच की जाएगी? नॉर्मल जो ओपीडी है उसमें हम जो है आईएलआई के पेशेंट्स को जो है उससे अलग रखेंगे, क्योंकि जो खांसी बुखार जुकाम के मरीजों को स्क्रीनिंग के बाद उनको एक अलग जगह बना रहे हैं तो उनको अलग से उनकी स्क्रीन वहाँ ले जाएगा, क्योंकि ऐसे मरीजों में कोरोना हो सकता है। तो इसलिए ऐसे मरीजों को नॉर्मल मरीजों से अलग रखा जाएगा तो ताकि औरों को इसके कोई खतरा ना हो। और आईएलआई के मरीजों के लिए हम 1-2 दिन में विचार करके उनकी एक अलग जगह सुनिश्चित करने जा रहे हैं। अस्पताल में जैसे ही मरीज एंट्री करेगा तो उसकी स्क्रीनिंग के बाद में सैनिटाइज करने और तमाम जो काम किए जाएंगे क्या, और किस तरह से जो डॉक्टर और पेशेंट के जो बीच की दूरी है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी? हमने जो है चरक भवन और इन जगह पे है 1-1 मीटर के ऊपर निशान लगा दिए हैं ताकि मरीज एक दूसरे के पास नहीं आए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे, इसकी सारी तैयारियाँ चल रही है। तो जिस तरह से अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि जो एसएमएस अस्पताल को कोविड फ्री करने की जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और अब जल्दी एसएमएस अस्पताल को कोविड फ्री किया जाएगा। जयपुर से कैमरामैन विजय गिरी के साथ मैं लोकेश ओला A1।